हैव अ हैप्पी डे अहेड। क्लास 10 के बच्चों का ये सेकेंड वीडियो जा रहा है। कल हमने पहला वीडियो आपको भेजा था, कैसा लगा? आप लोगों ने उसको कोई फीडबैक नहीं दिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और भी जो बच्चे आपके क्लास 10 के हैं जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दीजिए कि क्लासेज शुरू हो गई हैं। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइव क्लास चलाइए, तो देखिए लाइव क्लास जब चलेगा तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज ना पहुंचे या ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना रहे, ठीक है? तो ये आपके यूट्यूब पे हम इसलिए भेज रहे हैं ताकि आप इसको बार बार देख सकें और कभी हो सके तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, जैसे आपके मोबाइल का स्टोरेज है उस हिसाब से। अब देखिए क्लास 10 में आप आ गए हैं तो पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए। और कुछ चीजें यहाँ से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो सबसे बड़ी चीज ये है कि कुछ टॉपिक्स आपके यहाँ पे डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है? तो आज हम उन टॉपिक्स से बात करेंगे और फिर क्लास शुरू कर देंगे आज आपका। लेकिन समझ लीजिए कि जो हमने कल पढ़ाया था उसमें कुछ यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके आ गए थे, तो ये चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, ठीक है? तो हम पहले रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स में यूनिट फर्स्ट में आपका ये है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका नहीं आएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो मैं बता दे रहा हूँ कि पहले चैप्टर में क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो जो जो टॉपिक्स आपको रिमूव्ड हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, इसके बहुत अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए और हर बार मैं आपको बता दूंगा कि किस चैप्टर से क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है? जब पॉलिनोमियल्स की हम स्टडी करेंगे देन आई विल टेल यू कि विच इन व्हाट पार्ट विच पार्ट ऑफ द योर बुक यू शुड नॉट हैव टू स्टडी, अंडरस्टैंड? चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ से तो यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं पढ़ना है हमको, तो उसी हिसाब से अब हम आगे चल रहे हैं। तो देखिए चैप्टर फर्स्ट आपका यहाँ से आ गया। अब चैप्टर फर्स्ट में यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिथम है, तो यूक्लिड डिवीजन अल्गोरिथम है ये आपको पढ़ना है, ठीक है? तो ये हमने बता दिया था, इसमें से कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं शायद तीनों क्वेश्चन करा दूंगा और फिर आपके यहाँ पे तो ये चीज दिखी रही, यहाँ पे अगर आपको समझ में आए तो आप यहाँ से इसको ले लीजिएगा उस हिसाब से, ठीक है? उसके बाद कल यूक्लिड डिवीजन लेमा के दो तीन क्वेश्चन किए गए थे ना, जिसको देख लीजिए व्हाइट बोर्ड बीच में आ गया आपका, ये है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये वाले क्वेश्चंस आप नहीं करने, ठीक है? उसके हिसाब से फिर देखिए ये क्वेश्चन करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, इन एनी आर्मी कॉन्टिंजेंट 616 मेंबर्स हैं, ठीक है? और 32 परेड में है, द टू ग्रुप्स आर टू ही मार्च, एक 616 नंबर मेंबर्स हैं आपके आर्मी में और एक है 32, तो हमें कैसे कर रहे हैं? द ग्रुप्स ऑफ मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम? जब भी इस तरीके से आए कि मैक्सिमम, तो समझ लीजिए एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है हमें? एचसीएफ। तो वही करेंगे हम। अब यहाँ पे हम 32 और 616 का एचसीएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इससे पहले देखते हैं इसको, यहाँ पे देखिए आपका ये व्हाइट बोर्ड आ गया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है। तो देख रहे हैं आप ना, 616 आपका यहाँ पे है, 616 जो है वो 32 से बड़ा है। तो अब हम इसको क्या काम करेंगे, मैंने बताया था आपको ना कि 616 में आप 32 का डिवाइड कीजिए, 616 में कैसा कीजिए, डिवाइड कीजिए आप इसको 32 का इस तरीके से, तो कितनी बार गया, वन टाइम गया, ठीक है? डिवाइड कर दिया है और लॉन्ग डिवीजन मेथड से पूरा इस तरीके से करते जाइए आप। जैसे मैंने कल आपको बताया था 11 में से 2 गया 9, 5 से 3 गया 2, ठीक है? अब कितनी बार जाएगा ये आपका, उसको देख लीजिए, नाइन से ट्राई करते हैं, देखते हैं, 9 2 18 कैरी 1, 9 3 27, नहीं सर 9 बार नहीं जाएगा, 9 2 18 के 8 कैरी 1, 9 3 28, हाँ एक बार चला गया, कटन कुटन, अब 8 आ गया, 8 का नीचे यहाँ पे डिवाइड करेंगे 32 में, तो कितनी बार जाएगा ये आपका, 4 बार जाएगा, पूरा पूरा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो ये पूरा चला गया, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, एचसीएफ आ गया 8, तो 8 कॉलम में हम खड़ा करेंगे, इस तरीके से एग्जाम में लगाएंगे।
लिखना नहीं, ये चीज आपको एग्जाम में लिखनी है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। तो इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड करते जाएंगे, ठीक है। और अब देखिए, अब ये यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले क्या किया इसने, दो नंबर में जो बड़े थे इसको लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने बताया था आपको अभी मैंने जब सॉल्व किया उसको, जब सॉल्व कर रहे थे आप उस तरीके से, तो ये चीजें आ रही थी, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका मैंने बताया था आपको कि 616 यहाँ पे है, आपने डिवाइड किसे 32 से डिवाइड किया था, कितनी बार 19 बार, कितना बचा था आप देख रहे थे वहाँ पे 88 बचा था, आपने 8 लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद आपने जो रिमाइंडर होता है उससे इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 32 था, इसको आपने किससे किया डिवाइड, 8 से किया था, कितनी बार में 4 किया था, रिमाइंडर कितना है 0, रिमाइंडर आएगा जिससे डिवाइड करेंगे वही आपका एसटीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो कितना गैस थी, यानी 8 कॉलम्स बनेंगे, तो अंतर आप लिखेंगे देयरफॉर दे कैन मार्क इन 8 कॉलम्स ईच। देखिए ये चीज जो आप कर रहे हैं ये कहीं से आसमान से नहीं आ रहा है ये सारी चीजें, या यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये, बल्कि जो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं उसी से निकालेंगे, दोनों काम एक साथ करने हैं, लिखने काम कम करने, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ओवरऑल देख लीजिए आप यहाँ से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कैसे लिखना है एकदम एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन से बात करते हैं हम लोग। यूक्लिड डिवीजन लेम आ गया, ओके, डिलीट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका नहीं आएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर से रिमूव है ये आपका, ठीक। देखिए यहाँ पे भी आ गया यूक्लिड डिवीजन लेम, क्वेश्चन नंबर 5। मैं एक एक क्वेश्चन को डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको लगे कि ये पढ़ना ही नहीं है, तो आप जैसे इसको डिलीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब इसके बाद आता है प्राइम फैक्टर की मेथड से क्वेश्चन को, एक्सरसाइज 1.2 की हम बात करेंगे। प्राइम फैक्टर आप लोग पढ़े ही होंगे, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम प्राइम फैक्टर, व्हाट इज अ प्राइम फैक्टर में कैसे क्या होता है एक चीज देख लेते हैं हम लोग। प्राइम फैक्टर हम बात कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर क्या होता है, पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या चीजें होती हैं आपकी। प्राइम फैक्टर आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका 20 है, तो 20 को आप कैसे प्राइम फैक्टर बनाते हैं, इस तरीके निकालते हैं, यहाँ पे आपका 10 हो गया, यहाँ पे आपका 5 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका 5, यहाँ पे 1, जब 1 आ जाए छोड़ देंगे। तो हम 20 कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान देखिएगा, 2 कितनी बार है आपका, 2 बार, ठीक है, 5 आ गया, इसको लिखेंगे 2 × 2 × 5। अगर ये समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से आप लोग जो एलसीएम करते हैं ना, एलसीएम को हम प्राइम फैक्टर कहते हैं, यानी कि हम प्राइम नंबर्स में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना। एक और देखते हैं यहाँ पे, अभी आपको हम समझा रहे हैं, जैसे समझिए कोई भी नंबर बोल दीजिए आप, बोलिए भाई कोई नंबर आप, जैसे मान लिया 70 बोल दिया आपने, 70, चलिए इसको लीजिए, पहले 2 से कीजिए, 35 डिवाइड कर रहे फटाफट, अभी किससे जाएगा 5 से, ठीक है, फिर 7 से, तो इसका प्राइम फैक्टर कितना हो गया, 2 × 5 × 7। तो इस तरीके से आपका ये चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके सारे सारे प्राइम फैक्टर मेथड किससे करेंगे। अब देखिए कुछ और नंबर्स हो गए, जैसे मान लीजिए आपके पास 64 हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये 64 है, तो इसको भी कर लीजिए इसी तरीके से, 32 हो गया आपका, ये हो गया आपका 16, ये हो गया आपका 8, ठीक, उसके बाद ये हो गया आपका 4, और ये आपका आ जाएगा, तो ये नीचे 1 आ गया। तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 2 × 5। अभी अभी मैंने आपको प्राइम फैक्टर मेथड्स बताया, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे जितने भी नंबर है उनको उनके प्राइम फैक्टर में लिखना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे 140 है, 140 आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे बड़ी चीज है आप लोग पहले 2 से डिवाइड किया कीजिए। 2 से डिवाइड का रूल ये होता है कि जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड का रूल होता है कि सारे नंबर को आप प्लस कर लीजिए, और वो अगर 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। 4 से नहीं चेक करते, 5 से चेक करते हैं, 5 से चेक करने का रूल होता है जिसके लास्ट में 0 या 5 है वो 5 से डिवाइड होगा। 6 से नहीं चेक करते,
सेवन से करना पड़ेगा, ठीक है, ये अमूमन स्ट्रेस हो जाएगा, बाकी जैसे 17 हो गया, 13 हो गया, इनसे आपको डिवाइड करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसमें से एक नंबर ले लेते हैं, जो भी नंबर आप बोलिए, तो शायद आवाज आ रही है कि सर इस नंबर से लीजिए, तो इस नंबर का देखिए आप डिवाइड करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन है 7429, तो ये किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो आपको देखना है कि आपका इसमें 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 9 है आपका, 3 से नहीं होगा कि आप प्लस कर लीजिए, 7411 हो गया, 11 2 कितना हो गया 30, 39 कितना हो गया आपका 22, इसको 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 7 7 से डिवाइड कर लीजिएगा, 6 कर लीजिएगा, 7 से नहीं जाएगा, तो ये पहला आपका जाएगा 17 से, फिर 19 से, 23 से, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको निशान लगा लीजिएगा। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, बाकी क्वेश्चन आपके इजी है उसको कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, उसको कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे हमें ऑडियो मैसेज भेज दीजिए या लिख के भेज दीजिए, आपको हम पर्सनल बना के कुछ ना कुछ भेज देंगे, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे वही क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो पहले यूनिट से यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं करा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका है फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ द ईच फॉलोइंग प्रेशर पर डिजिट, वेरीफाई दैट एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला हो गया एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, कि एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। चलिए पहले सिम आपको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम ये 26 और 19 का ले लेते हैं, ठीक है, हम अपना बोर्ड खोल ले रहे हैं पहले, उसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं। तो हमें फॉर्मूला क्या है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, देखिए हम एक ले ले रहे हैं, आपको ये वाला पहला वाला नंबर उसी को करते हैं, ये हमारा बोर्ड आ गया, अब देखिए ध्यान से, अब यहां पे देखिए आप ध्यान से, आपका फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर आपका 26 है, सेकंड नंबर कितना है आपका, सेकंड नंबर आपका है, सेकंड कितना था देखिए चेक कर लीजिए पीछे, अब ये मिल जाएगा आपको, वैसे आपका 2691 याद रखिएगा, 2691, ठीक है, 2691 आपका है ना, तो फर्स्ट नंबर आपका हो गया 20, फर्स्ट नंबर आगे लिखेंगे फर्स्ट नंबर 26, सेकंड नंबर लिखेंगे आप 91, ठीक है। चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको लिख लेंगे पहले हम, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ मल्टीप्लाई, एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम में, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, तो ये हमारा आना चाहिए फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी ना एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, फर्स्ट नंबर दे देगा, सेकंड नंबर पूछेगा, तो इसमें तक आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल लीजिएगा। तो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको बताया था रूल, तो हम क्या करेंगे, पहले लॉन्ग डिविजन मेथड करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे 91 जो है आपका बड़ा है, ठीक है, 91 आपका बड़ा है 26 से, ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, 91 में 26 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपका कितनी बार जाएगा देख लीजिए, शायद ये 3 बार जा रहा है, 36 का यहाँ का अलग कर लीजिए, 36 का 18 के 8, ठीक है, एंड 32 का 7 यहाँ पे आप जैसे आप एज यूजल सिंपल डिवाइस डिवीजन करते हैं, डिवीजन करते के लिए उसके बाद एट हो गया 1 आ गया, 13 आ गया आपका ये, और फिर यहाँ पे आप 26 में डिवाइड करेंगे, 13 2 26, ये आपका यहाँ पे डिवाइड हो गया, ऐसे कितना आ गया आपका, आप यहाँ पे लिख लेंगे एचसीएफ कम्स टू 13, ठीक, इसको लिख लीजिए। अब चलिए एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए आप जानते ही होंगे, आप भाई एलसीएम हमेशा निकालते हैं, 91 26 का एलसीएम निकालिए, यहाँ पे आप 13 से कटेगा, ये पहले 2 से कट रहा है, 2 से काटिए, 91 नहीं कटेगा, ये आपका कटेगा 13 आ जाएगा, इसके बाद 7 से ये आ जाएगा 30, ये आपका 30 नहीं कटेगा, आज तो निकाल लेंगे, ठीक है भाई, आपका एलसीएम निकालना आता है, नहीं आता है तो थोड़ा बच्चों सीख लीजिए, ठीक है, उसके बाद 13 से आपने किया, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम इक्वल टू 2 × 7 × 13, ठीक है, 7 2 हो गया 14 × 13, एलसीएम कितना जाएगा आप कंप्लाई कर लीजिए, 13 × 4 = 52, 52 हासिल 5, 13 × 13 = 5, 182 आपका एलसीएम आ गया, एलसीएम कितना आ गया 182, चलिए आगे पीछे बढ़िए। तो चलिए आप पहले हम कहते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमें प्रूफ क्या करना है हमको, एचसीएफ
मल्टीप्लाई एलसीएम। तो एचसीएल कितना आया था आपका 13, एसएम कितना आया आपका 182। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका 182 का, पहले रफ में मल्टीप्लाई करेंगे, एफएम नहीं करेंगे। 3 2 6, 3 2 6, 3 8 24, 24 के 4 हासिल 2, 3 1 3 2 5, 1 2 2, 1 8 8, 1 8 11, ये आपका 6 6 13, ये आपका 2 23 66। ये आपका हम रफ में करेंगे, ये आपका आ गया, इसको लिख लीजिए पहले इतना, ठीक है, ये आपका इतना हो गया 2 3 6 6, ठीक है। अब आपका राइट पार्ट क्या है, राइट पार्ट का है आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितना आपका है 91, सेकंड नंबर कितना है 26, ठीक है। मल्टीप्लाई करते चलिए यहाँ पे, ये काम रफ में करेंगे हम लोग। तो अब पीछे कितना आया आपने देखा ना, 18 जितना भी आया है 2 3 6 6 है, उसको आपने नोट कर लिया, ऑलरेडी स्क्रीन शॉट लेकर आप नोट कर लिए हैं या पीछे जाकर नोट कर लेंगे। 6 1 6 6 9 54, 2 1 2 2 9 18, 6 हो गया आपका ये, ठीक, ये भी आपका 6 हो गया, देखिए मिल रहा है ना, और 13 हो गया, ये 2 आ गया, देखिए आ गया दो नंबर। तो इसका मतलब इसको हमने वेरीफाई कर दिया। तो आपने देखा, तो हम अभी कह सकते हैं कि जो एलसीएम होता है किसी भी दो नंबर का, और एचसीएफ, सॉरी मैंने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एचसीएफ जो होता है यानी किसी भी दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो उन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये हमारा वेरीफाई हो गया। इस तरीके से आप इसको नोट बना के लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, इसी तरीके से आप लोग जो ऊपर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो हमने अभी आपके लिए क्वेश्चन किया आपका, ये क्वेश्चन भी आप इस तरीके से कर लेंगे और ये भी क्वेश्चन तरीके से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। इसका पहले एचसीएफ निकालिएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा, फिर दोनों नंबर कम्प्लाई कर देंगे, फिर एलसीएम एचसीएफ कम्प्लाई कर देंगे, वही चीज आ जाएगी, ठीक है। ये सेकेंड चैप्टर में चल रहे हैं हम लोग। अब आगे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन दिया हुआ है बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। हम सोल्यूशन आपको इसे दिखा दे रहे हैं ताकि अगर आपको नहीं कर पा रहे तो यहाँ से हेल्प लेके कर लें, कोई भी चीज आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ से ले लिया आपने, चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ये आपका थर्ड वाला था, ठीक, ये हो गया आपका यहाँ पे। चलिए अब आगे आते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन, अब यहाँ से देखिए आप कहते हैं फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाई अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है, एलसीएम जो है ना निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग कैसे करेंगे, पहले पहले इसका हम निकालते हैं एचसीएफ। तो कोई भी दो नंबर ले लीजिए आप, चलिए लेते हैं 12, पहला पार्ट करते हैं हम, ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे यहाँ भी बिल्कुल। तो पहले जो 15 है वो 12 से बड़ा है, 21 का भी छोड़ दीजिए, तो मैंने बताया था 15 में आप 12 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया आपने 12 1 5 8 कितना बचेगा 3। अब ये फिर 12 में डिवाइड करेंगे ये आपका 4 टाइम्स चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एचसीएफ, इसका मतलब 15 और 12 का एचसीएफ 3 आ गया। 21 का एचसीएफ है कि नहीं, तो 21 में 3 का डिवाइड कीजिए, 3 का डिवाइड किया 37 जो 21 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा पूरा डिवाइड 0 आ गया, यानी कि इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ है वो हमारा कितना है 3। तो ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व ले लीजिए आप इसके बाद। तो आपने यहाँ पे एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ आपका निकल के चला आया, एचसीएफ कितना निकल के चला आया भाई, एचसीएफ निकल के चला आया 3। ये तो लॉन्ग डिविजन मेथड से हो गया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान देंगे तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नीचे कर दे, बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टर, अगर आप लॉन्ग डिविजन से करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए छोड़िए, जो भी मैंने मेथड बताया था वो लॉन्ग डिविजन मेथड से था, तो लॉन्ग डिविजन मेथड से नहीं करेंगे हम लोग, हम इसको करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड से। तो प्राइम फैक्टर मेथड क्या है सर, देखिए सबसे पहले आप सारे नंबर्स का ना प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, 12 का निकालिए पहले, तो 12 का निकालेंगे तो 12 का आ जाएगा 6 2 3 1, ठीक, इस तरीके से सबका निकालिए। 15 का निकाल लीजिए, 15 का निकाल लीजिए इस तरीके से 3 5 जा एंड 5 1 जा 5, सारा नंबर का पहले निकाल लीजिए, ठीक, ये निकल गया। अब इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, 12 कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे 12 को लिखेंगे 2 into 2, 2 के पावर 2, ठीक,
या फिर देखिए आप इसको ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे लिखिए टू इंटू टू इंटू थ्री, 15 को लिख लीजिए इस तरीके से, 3 इंटू फाइव, फिर 21 को लिख लीजिए 3 इंटू सेवन। चलिए मैं इसको मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, कागज देखिएगा, ठीक है, एकदम कागज देखिए यहाँ पे, आपको हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं पूरा कागज से। सबसे पहले आपने 12 का लिखा, 12 का लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, वो सारे काम आप रफ में कर लीजिए, फिर में कर लीजिए 15 है, 15 का लिख लीजिए आपने 3 इंटू 5, 21 का देखिए आपने 3 इंटू 7, 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें लास्ट में 1 रहता है आपका, ठीक है। एस सी एफ निकालने के लिए देखिए जो सब में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में है, कौन कौन सा कॉमन है लीजिए, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 सब में कॉमन है, सी एफ आपका हो गया, ठीक। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम के लिए कॉमन इंटू अनकॉमन, कॉमन ठीक है यार, लीजिए कॉमन मल्टीप्लाइड बाई अनकॉमन, तो जो कॉमन है उसको लिखेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है 3, वो लिख लिया। अब अनकॉमन है, अनकॉमन क्या है, यहाँ पे 2 और 2 है, उसको उतार लीजिए 2 2, ठीक, फिर 5 इसमें है, फिर 5 लिखेंगे इसमें, ठीक है, हम 5 लिख देंगे, और इसमें क्या है 7, 1 भी क्या है, कभी कभी नहीं होता, जिसमें कोई भी अनकॉमन नहीं मिलेगा एलसीएफ के लिए, वहां पे आपका 1 होता है। तो एलसीएम के लिए देखा आपने यहाँ पे कि कॉमन इंटू अनकॉमन, एलसीएफ के लिए जो कॉमन होगा, याद कर लीजिए एलसीएफ के लिए कॉमन, नोट्स लाते चलिए, मैंने आपसे कहा था कॉपी ऑफ पेन रखते चलिए, कॉमन इंटू अनकॉमन, तो कॉमन क्या आ गया 3, सब में जो कॉमन है, फिर उसका जो सब में कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 2 2 नहीं है, किसी में 3 5 नहीं है, फिर 7 नहीं, जो जो चीज नहीं होगी, जो अनकॉमन होगा सब में नोट कर जाएंगे, इसका अप्लाई कर देंगे 3 2 6 2 6 24 3 2 6 12 12 5 60 12 5 60, और 60 में अप्लाई कर देंगे कैपिटल 420, ये इसका आगे एलसीएम। तो देख लिया आपने इस तरीके से, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, तो एससीएफ के लिए कॉमन, एलसीएम के लिए कॉमन इनटू अनकॉमन, ठीक, इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी देखें यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको अब डिस्कस करके चल रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पे, पहले आपने 12 को ऐसे लिखा, 15 को ऐसे, 21 को ऐसे, एससीएफ ये आ गया आपका, एलसीएम ये आ गया, तो ये ऑटोमेटिक भी है, जो मैंने ऊपर बताया उसी को फॉलो कीजिए, एससीएफ क्या हो गया आपका कॉमन, एलसीएम क्या हो गया मल्टीप्लाई कॉमन इनटू अनकॉमन, ठीक है, यहाँ पे बाकी आपके इसका दिया हुआ है, पहले खुद से सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से मिला लेंगे आप, आपके नोट्स बनाते चल रहे हैं आप लोग, इसके बाद ये वाला पर्सन, ठीक है, नोट कर लिया आपने इसको अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए पूरा, ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं, हम एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन एक जैसे हैं उसको हम छोड़ दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये एग्जाम में आता है, बल्कि यूँ कहिए कि पेपर आपका आउट हो गया, ये क्वेश्चन आना ही आना है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। एस सी एफ 306 और 657 का एस सी एफ दिया 9, एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दिया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, देखिए एलसीएम इंटू एस सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमें क्या निकालना है एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाई एस सी एफ, एलसीएम इक्वल टू यहाँ पे आ गया, तो प्रोडक्ट दो नंबर को क्या डिवाइड कर दीजिए 9 से, 9 से डिवाइड कर दीजिए इसमें, और जो आएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर आ जाएगा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, दो नंबर का क्वेश्चन आपका इस तरीके से आउट हो गया, इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, ये फर्स्ट और सेकंड नंबर का एलसीएम दिया हुआ है, और एलसीएम हमें निकालना है दोनों नंबर का, फॉर्मूला होता है ये वाला, आपको याद हो गया होगा, जो बेसिक्स मैथ लेंगे उनको किसी भी फॉर्मूला ही पूछ लेता है, और बेसिक मैथ में क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, ठीक है, ओके, तो एलसीएम एक्सेप करके हमको एलसीएम निकालना है, कभी कभी होता है एलसीएम भी आ रहा है, कभी होता है एलसीएफ एलसीएम भी आ रहा है, फर्स्ट नंबर भी आ रहा है सेकंड नंबर निकालना होगा, या इसका उल्टा हो सकता है कि एलसीएम एक्सेप भी आ रहा है सेकंड नंबर भी आ रहा है फर्स्ट निकालना रहेगा, तो जो भी दिया रहेगा इस तरीके से इसको आप कर लेंगे, ठीक।
चेक वेदर 6 की पावर एन कैन इंडेड विद द डिजिट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। हमें चेक करना है कि क्या कोई नंबर जिसके लास्ट में 6 की पावर एन है, क्या इसके लास्ट में जीरो आएगा? तो एन कुछ भी हो सकता है। देखिए, किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो तभी आएगा जब उसमें एक फैक्टर जो है कम से कम 2 × 5 का रहना चाहिए। आप नोट कर लीजिए, अगर आप 6 का निकालेंगे तो 6 का निकालेंगे तो किसी से कितना जाएगा फैक्टर 2 × 3। अब हमें निकालना है किसका, 6 की पावर एन का। तो 6 की पावर एन का करेंगे तो 2 की पावर एन और 3 की पावर एन आ जाएगी, ठीक है। तो देख रहे इसमें 5 नहीं आया है, इसलिए इसमें कभी भी लास्ट में जीरो नहीं आएगा, ठीक, समझ गए। आगे देखिए एग्जाम में कैसे लिखना है वो आपको हमने बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका बिल्कुल वैसे जो मैंने आपको बताया है। किसी भी नंबर का लास्ट में जीरो तभी आएगा जब उसमें 10 यानी कि 2 × 5 रहे। 6 पावर एन को आपने लिख लिया, मैंने बताया कैसे। 6 पावर एन में 5 फैक्टर नहीं है, इसलिए कभी नंबर जीरो कैन नॉट बी इन विद द जीरो। इस तरीके से सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ आपको सोल्यूशन, प्रिंटिंग वाला काफी पड़ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका है, आपको कम से कम समय में ज्यादातर क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई इतना कैन आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर नंबर सारे आप टू टाइप्स, प्राइम एंड कंपोजिट। नंबर दो तरह के होते हैं आपके, ठीक है, प्राइम होते हैं और कंपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाई 1 एंड ओनली इटसेल्फ। प्राइम नंबर जो होते हैं 2, 3, 5, 7। अगला नंबर बोलिए आप लोग, क्या 9 नहीं होगा, 7 होते बाद 13 के बाद बोलिए भाई 17, वेरी गुड। आगे बोलिए, हाँ उसने 19 कहा, 19 सही है, आगे नहीं 21 नहीं है, आगे 23 हाँ सही है, आगे नहीं 25 नहीं है, 27 भी नहीं है, 29 सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, हाँ 31 बिल्कुल सही, आगे नहीं 33 नहीं है भाई, आगे बोलिए 35 भी नहीं है। ऑड नंबर मत बोलिए आप लोग, आगे बोलिए। प्राइम नंबर 50 है तो कम से कम बताइए जो सिर्फ किसी के टेबल में नहीं आते, प्राइम नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते, जैसे 39 टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 41 बिल्कुल सही, 43 बिल्कुल सही, आगे नहीं 45 9 के टेबल में आता है, 15 टेबल में आता है, हाँ 40 टेबल बिल्कुल सही, आगे चलिए। इस तरीके से आप 100 तक लिख के एक बार चेक कर लीजिए, कितना जल्दी कर लेते हैं। तब हमें चेक करना है क्वेश्चन को कि इसको कंपोजिट नंबर लिख सकते हैं कि नहीं। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या हुआ कि जिसको हम प्राइम एंड कंपोजिट नंबर में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, यानी कि जो नंबर हमारा हो वो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं 13 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना हो गया 7 × 11 + 1 हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया 77 हो गया, ये 1 हो गया 78 हो गया, तो इसको 13 × 13 × 6 लिख लिया, 6 निकाल सकते हैं 2 × 3। तो द गिवन रिप्रेजेंट हैज 6 एंड 13 इज अ फैक्टर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। यानी कि देखिए इसमें 6 और 13 दो फैक्टर में आ गया, 13 जो हो गया आपका प्राइम नंबर हो गया और 6 जो हो गया आपका इवन नंबर, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर, ठीक है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स में आते हैं। इस तरीके से हम कंपोजिट कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर्स हैव अ फैक्टर अदर देन 1। कंपोजिट नंबर का फैक्टर जो होता है एक से अलावा भी होता है। प्राइम का जो फैक्टर होता है इटसेल्फ होता है 1 होता है, कंपोजिट का अपना यानी 13 के अलावा 6 भी है। इसी तरीके से इसको भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसको मैं जैसा ऑन कर दे काजी से, ठीक। तो यहाँ पे करेंगे इसको, हम ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने 5 को कॉमन लिया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर दिया तो यहाँ पे इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हम फैक्टर फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भी और ये दोनों प्राइम नंबर हो गया, तो ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया। तो 5 के अलावा, प्राइम नंबर के अलावा ये भी अलग से फैक्टराइज नहीं होगा, यानी दो नंबर ऐसे जो फैक्टराइज ना हो सके उनको हम लिख देंगे, तो ये आपका कंपोजिट नंबर यहाँ पे है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देन सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। अब देखेंगे सोनिया 18 मिनट में एक बार कर सकती है, वाइल्ड रवि 12 मिनट में अगर एक साथ दौड़े, आपका जो कोई सर्कुलर फील्ड है उसको कंप्लीट करने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट, दोनों एक साथ दौड़ना शुरू किए, फिर कब मिलेंगे? तो एलसीएम, इसका जब भी क्वेश्चन है इसका हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिएगा, निकालना हमको एलसीएम, ठीक है। ये आपको लंबा थोड़ा लिखना नहीं है एग्जाम में, ये कभी भी लिखना नहीं है, ये समझने के लिए दिया, आपको समझाने के लिए दिया, इसको पढ़ लेंगे। तो जब कभी इसका क्वेश्चन आए कि दो एक घंटे मतलब किसी कमरे में 3 घड़ी लगी हुई है, एक घड़ी 12 बजे बोलती है,
एक दूसरी घड़ी 10 मिनट बाद 12 बजे बोलती है, जो भी उनके बीच में टाइम का गैप होगा, जितना भी गैप होगा, ठीक है, उन सबका एलसीएम निकाल लेंगे, आपका आ जाएगा, यू हैव टू फाइंड एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे देखिए एलसीएम निकाला गया है आपका, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसका एलसीएम निकाला गया है, यानी कि 36 मिनट बाद फिर दोनों लोग, हम दोनों हमेशा 36 मिनट बाद बोलो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या मुलाकात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना तैयार कर लीजिए, नोट अच्छे से बना लीजिए, आधे घंटे का पीरियड आपका हो गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 हम कल करेंगे, फिर रेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या होता है, इसका प्रूफ क्या होता है, वो कल बताएंगे, पहले एक आपका कर देंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।